आप लोग एनसीसी के कैडेट्स हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, क्या मैसेज देंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए? जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ जूनियर अंडर ऑफिसर हुज़ैफ़ा शेख। सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय भाइयों और बहनों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीसी क्या चीज़ है। सबसे पहले हम रॉयल कॉलेज एनसीसी यूनिट का शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर थैंकफुल टू प्रोफेसर फाउंडर असगर ई लकड़ावाला सर ऑफ रॉयल कॉलेज फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री and including many states, many directorates, international level, national level, and every type of exposure. NCC ने आज क्या-क्या performance किया अगर आप मुझे बता पाए तो। चेन एवरीवन, मैं CQMS केतन कैलाश चौहान। सबसे पहले आज सबको, आप सबको इंडिपेंडेंस डे के बहुत से शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त सो हमारे कॉलेज में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हुआ था। सो हम NCC वाले सबसे पहले राष्ट्रगान अपने कॉलेज में, राष्ट्रगान होने के बाद अपना व्हीकल कौन होता है उसमें अपने बुलेट से और एक जीप सी थी, वो होने के बाद हमने राइफ़ल फॉर्मेशन किया था और राइफ़ल फॉर्मेशन हो गया उसके थोड़ी ही देर बाद अपना स्किड हुआ था। जैसे राइफ़ल फॉर्मेशन में मैंने देखा आप लोग अलग अलग कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, तो क्या अगर बता पाएंगे? राइफ़ल फॉर्मेशन का सबसे मेन मैसेज ये था कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NCC का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आप कोई भी एक्ट करो, आप जब कोई भी ग्रुप में काम करते हो, आपको सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि हमारे कैडेट्स ने आग के साथ खेला, क्यों? क्योंकि उनका हम लोग के ऊपर और हमका उनके ऊपर ट्रस्ट था। ये मेन सिखाया था NCC, यूनिटी, और हर चीज़ डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो ये था NCC का मेन मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इंडिपेंडेंस डे कितना महत्वपूर्ण है, मैंने देखा आप लोग इंडिपेंडेंस डे के इम्पोर्टेंस के बारे में भी कई परफॉर्मेंस किए, क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंस डे कितना महत्वपूर्ण है? लाइक इंडिपेंडेंस डे हम लोग हमारे जो लास्ट जनरेशन थी जिन्होंने हमारे को इंडिपेंडेंस डे का अवसर दिया, जिन्होंने लड़ा है, शहीद हुए हैं, उनको हम कभी भूले ना और उनका हमेशा शुक्रिया अदा करें, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय भारत। आप लोग NSS के स्टूडेंट्स हो, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा NSS के स्टूडेंट्स का, क्या मैसेज दोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। फर्स्टली सबको साथ में रह के मेहनत करनी होती है। अभी ये जो इतना बड़ा इवेंट हमने किया, परेड, ह्यूमन फॉर्मेशन, स्किट, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर सब एक साथ आके इनिशिएटिव नहीं लेते और मेहनत नहीं करते। सेकेंडली जैसे कि आपने देखा हमारे ह्यूमन फॉर्मेशन में बुलेट लड़की ने चलाई, तो वो जेंडर वाली चीज़ नहीं कि सिर्फ लड़के बुलेट चला सकते हैं, लड़कियाँ नहीं चला सकती। तो यही बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने स्किट में बताया गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करना हो गया। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज है कि सब एक साथ रहे, खुश रहे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे एक दूसरे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें आज़ादी सब ने दिलाई, हर एक जाति धर्म को वहाँ पे कुछ नहीं देखा गया था, सब ने अब मिल के अलग अलग जाति धर्म वाले लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, तो और आज हम उनके सेक्रीफाइस की वजह से हम हिंदुस्तान की आज़ाद सरजमी पे खड़े हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें NSS NCC ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे यहाँ की वैल्यू सीखनी चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे अभी हमारे NSS का मोटो है नॉट मी बट यू, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद के बारे में ना सोच के हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। अभी एवरी ईयर हम कुछ अलग करने का ट्राई करते, तो इस साल भी हमने कुछ अलग करने का ट्राई किया। हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने का ट्राई किया। तो ऐसी हमारी छोटी छोटी कोशिशें होती है और हम NSS में एक फैमिली की तरह है, हमारा पूरा 200 का यूनिट है, तो हम सब मिलजुल के रहते हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अक्सर अभी मॉडर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अगर हम कुछ नया भी फॉलो कर रहे हैं, हमें अपनी जो रूट्स है वो भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि इवन दो यू फॉलो वेस्टर्न कल्चर मोर, मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट योर रूट्स एंड वेयर यू आर फ्रॉम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक विजिलेंट बॉडी वॉरियर होने के नाते क्या मैसेज देंगे? फर्स्टली अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम ऑल्सो अ विजिलेंस बॉडी मेंबर एंड अ विजिलेंस बॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर कॉलेज। दे मेंटेन लाइक द डिसिप्लिन एंड द डेकोरियम ऑफ आर कॉलेज। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। लाइक आई हैव बीन अ विजिलेंस बॉडी मेंबर, दिस इज माई सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर ऑल्सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ विजिलेंस बॉडी मेंबर। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ VB मेंबर and they play a very vital role. They have different duties to like maintain the discipline, decorum,
ऑफ द कॉलेज एंड ऑल्सो ऑल द इवेंट्स विच आर पुट फोर्थ बाय द कॉलेज लाइक इंडिपेंडेंस डे, फाउंडर्स डे, एनुअल डे एंड मेनी मोर. सो देर आर वी आर अ वेरी big team of 20 to 29 students and we all are vigilance body warriors and along with our team we have a head VB teachers along with their support and guidance and also founder sir. We play a very vital role and we help the team in taking forward the entire event smoothly, calmly and maintaining that all the discipline and the code of conduct of the college is maintained. And today also on Independence Day, along with the various NSS leaders, NCC leaders, vigilance body was also a part of maintaining the decorum and the discipline of the college. Making the event successful. Exactly. Happy Independence to each and everyone. So, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश की गुलामी से. सो इसमें बहुत से लोग जो है शहीद हुए थे. इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोगों को घर से बेघर हो गए और बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया. कई जनरेशन से लोगों को खोया इस इंडिपेंडेंस डे की लड़ाई में. किसी कितनों की तो जनरेशंस वहाँ पे ख़त्म हो गई. सो हमें उनकी कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल, हमें उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए अपर स्वतंत्रता दिवस एक खुशी का मौका है, बट हमें कुर्बानी को भी याद करना चाहिए. जी, हमें उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस बनाना चाहिए. इसके अलावा जब हम स्वतंत्रता दिवस पे गीत गाते, राष्ट्रीय गीत गाते, वंदे मातरम गाते, तो हमें वो गूज़बम्स फील होना चाहिए. हमारे दिलों में वो आग लगनी चाहिए ऐसा कि हाँ कि भारत उस दिन आज़ाद हुआ था तो कितने लोगों आज़ादी से नहीं मिली है. सर, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप रॉयल कॉलेज आए, बच्चों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, स्टूडेंट्स ने कैसा लगा परफॉर्मेंस और क्या मैसेज देंगे? सर, इतना ही बोलूँगा, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ रॉयल कॉलेज दैट द वेरी नेम इज एमलगटेड विथ अवर इंस्टीट्यूट फॉर द सीनियर सिटीजन सिंस 2006. Every day, every Independence Day and Republic Day, we witness the program carried out by the students is absolutely beyond imagination and totally worthy for our proud nation.